अमेरिका में भीषण हादसा, मैरीलैंड में पुल से टकराया जहाज, ताश के पत्ते की तरह डहा पुल, कई गाड़ियां पुल से बही, कई लोग पानी में गिरे, मचा कोहराम। देखिए रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना। अमेरिका के बाल्टीमोर में कंटेनर लदा पानी का एक बड़ा जहाज फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज से टकरा गया। टक्कर के बाद पुल का एक बड़ा हिस्सा टूटकर पानी में जा समाया। ये घटना होते ही तेजी से वायरल हो गई। पूरे विश्व की आंखों के सामने एक बार फिर से टाइटैनिक हादसे की तस्वीरें तैरने लगी। हर किसी के मन में सवाल उठने लगा कि क्या टाइटैनिक हादसे जैसी तबाही फिर हो जाएगी। स्थानीय मीडिया रिपोर्टों में कहा गया कि दुर्घटना के वक्त कई गाड़ियां और लोग पुल पर मौजूद थे, कई कारों और लोगों को पानी में देखा गया। बाल्टीमोर फायर डिपार्टमेंट ने पुल के ढहने से बड़े पैमाने पर जानमाल की क्षति होने की आशंका जताई है। नदी में बचाव अभियान चलाया गया। पेटापास्को नदी के ऊपर बने इस पुल का निर्माण 1977 में हुआ था। बाल्टीमोर फायर डिपार्टमेंट के कम्युनिकेशन डायरेक्टर केविन कार्टराइट ने ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि उन्हें इमरजेंसी सर्विस 911 पर कई कॉल्स आई और एक जहाज बाल्टीमोर में ब्रिज से टकरा गया जिससे पुल ढह गया, ये बताया गया। फिलहाल इस दुर्घटना में बड़े पैमाने पर जानमाल के नुकसान की संभावना है। हम फिलहाल नदी में 7 लोगों की तलाश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बाल्टीमोर के मेयर ब्रेंडन स्कॉट ने भी पुल ढहने का संज्ञान लिया और आश्वासन दिया कि आपातकालीन सेवाएं घटनास्थल पर काम कर रही हैं। वहीं फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज वाशिंगटन मेट्रोपॉलिटन रीजन में एक महत्वपूर्ण ट्रांसपोर्टेशन लिंक है, क्योंकि वाशिंगटन डीसी के जॉर्ज टाउन को आर्लिंगटन वर्जीनिया के रोसलिन से जोड़ता है। ये ब्रिज फ्रांसिस स्कॉट को समर्पित है जिन्होंने अमेरिका का राष्ट्रगान लिखा। कार्गो शिप की लंबाई 948 फीट बताई जा रही है। टक्कर के बाद जहाज भी डूब गया। वहीं दुर्घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें जहाज को पुल से टकराते हुए देखा जा सकता है। टक्कर के बाद जहाज में आग लग जाती है और फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज का एक हिस्सा देखते ही देखते नदी में समा जाता है। इस ब्रिज की लंबाई 3 किलोमीटर बताई जा रही है। डाली नाम के जहाज पर सिंगापुर का ध्वज लगा था। जहाज ग्रेस ओशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का बताया जा रहा है जिसका मैनेजमेंट सिनर्जी मरीन ग्रुप के पास था।